हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आप ये जल्दी से शेयर कर दीजिए, तो मैं आप लोग के साथ में एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों को पता है कि आप लोग की जो हेयर की जो क्वालिटी है वो कैसी है, आपकी जो हेयर है वो ऑयली है, ड्राई है, फ्रिजी है, कैसे है। पहले तो आप अपने हेयर को जानिए वो कैसे है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपकी हेयर ग्रोथ पे, आपकी हेयर की स्मूदनिंग पे, आपकी हेयर की क्वालिटी पे, आपके हेयर के टेक्सचर पे, आपके हेयर की रीग्रोथ के लिए, और आपके हेयर पे जैसे स्कैल्प होती है तो डैंड्रफ हो जाती है। मैंने आप लोग के साथ में स्कैल्प की कुछ रिलेटेड बात हुई थी, बिकॉज जब हमारे स्कैल्प सही रहते हैं, क्लीन रहते हैं, तो हमारे जो हेयर होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और कोई भी हम यूज़ करते हैं चीज़ें तो वो अच्छे से इफेक्ट करती है। सो गाइज, आते हैं टॉपिक पे। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। सो गाइज, मैं आप लोग इस चैनल पे मैं आई हूँ तो आप लोगों को मैं अपने जैसे बाल देकर ज़रूर से ज़रूर जाऊँगी। जब भी यहाँ से जाऊँगी, जाऊँगी कहाँ, जब मरूँगी जब भी जाऊँगी, अदरवाइज़ तो नहीं कहीं पे भी। वैसे तो मैं आप लोग के साथ ही रहूँगी और मैं आप लोग के बालों को एक तरीके से बता रही हूँ, आप लोग को जो चीज़ें बता रही हूँ आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग को 6 मंथ में इतने अच्छे हेयर, इतने अच्छे आपको हेयर मिलेंगे, इतने लॉन्ग अच्छे हेयर मिलेंगे कि मतलब आप लोग खुद ही आकर कहोगे कमेंट करके कि हाँ दीदी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। सो गाइज, आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा ये है कि आप लोग को पता है आपके जो हेयर है वो कैसे है, ऑयली हेयर है या फिर आपके ड्राई हेयर हैं या फिर आपके फ्रिजी हेयर है या फिर आपके हेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम जान लेते हैं हमारी स्किन कैसी है, जैसे हम स्किन की बात करें या हमारे कोई भी डिजीज़ की बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए फीवर है, ठीक है, अब बंदे को फीवर है और फीवर की वजह दवा ना लेकर के वो बंदा अगर खांसी की दवा लेकर आता है तो ये उसे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना बिल्कुल भी। तो उसी तरीके से हमारे हेयर है, अगर हमारे हेयर जो है वो ड्राई है, हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई है, तो आप कोई भी चीज़ लगाओगे, तो आप गलत चीज़ लगाओगे तो क्या आपको लगता है कि वो फ़र्क करेगी? ड्राई जो स्कैल्प होती है, ऑयली स्कैल्प होती है, इन लोगों के लिए क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है। जब हमारे ड्राई स्किन होती है तो हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो अच्छे से इफेक्ट करती है, अच्छे से जाती है, वो स्किन के अंदर एग्जॉर्ब होती है, वर्क अच्छा करती है। जो ऑयली स्कैल्प होती है उससे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, सबसे पहली बात तो उसमें से ऑयल इतना ज़्यादा निकलता है कि इंसान, आज उनने शैम्पू करा, जैसे कि आपने किसी की भी ऑयली स्किन है, कोई भी आप किसी भी बंदे को ले लो आप, तो किसी ने शैम्पू करा, शैम्पू करने के आधे घंटे बाद या फिर वो सो ही गए समझ लीजिए, और सो करके उठे तो उनके बाल एकदम चिपे चिप चिप की चिपे से, और उनके जो बालों में ऑयल लगाते हैं तब तो जो हेयर होते हैं उसका तो और ही बुरा हाल होता है, बालों में शाइनिंग नहीं होती है, सिल्कीपन नहीं होता है, चमक नहीं होती है, बालों में पफिनेस नहीं होती है। एक प्रियंका कह रही थी मेरे से, सब्सक्राइबर है मेरी वो प्रियंका, प्रियंका कह रही थी दीदी आपके बाल आगे से पफ वाले कैसे होते हैं, जो फूले फूले से हेयर होते हैं आपके वो कैसे होते हैं? तो बाबू, मेरे जो हेयर है ना, जो मेरे हेयर की जो क्वालिटी है ना, मेरे जो हेयर है वो ड्राई है, ठीक है। तो ड्राई जो हेयर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, और उनमें आप कोई भी पैक लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। हमारे जो स्कैल्प होती है, एक ऑयली होती है, एक ड्राई होती है, एक ऑयली और ड्राई होती है, दो तीन तीन कॉम्बिनेशन में होती है, ठीक है। जितना मुझे पता है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, बाकी मुझे इतना नहीं पता है, बट जितना पता है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, अगर आपकी जो हेयर है अगर वो ऑयली है, ठीक है, तो आप कोई भी पैक लगाओगे, कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी, धीरे धीरे करेगी, करेगी पर धीरे धीरे करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करो, अच्छा यूज़ करो, और अपने हेयर को जब भी आप पैक लगा रहे हो, टोनर लगा रहे हो, टॉनिक लगा रहे हो, तो आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद ही कोई भी चीज़ अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। तो गाइज, जो ये वीडियो है मैंने आप लोग के साथ में जो शेयर किया है, तो क्या ये चीज़ मुझे शेयर करना ज़रूरी था या नहीं, इस कमेंट में करके बताइएगा ज़रूर वीडियो के नीचे कि ये जो टॉपिक मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है ये ज़रूरी था या नहीं। आप लोग को ज़रूरी है जानना मेरे ख्याल से, कि मतलब आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए कि जो आपकी हेयर है वो कैसे हैं, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को इसकी जो ट्रीटमेंट है वो शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो में बस इतना ही था। सो बाय फ्रेंड्स, लव यू।